हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका कुशवाहा प्रॉपर्टीज आईपी एक्सटेंशन पटपलगंज में। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। आज आप देखने वाले हैं आईपी एक्सटेंशन पटपलगंज की ए ग्रेड की टॉप सोसाइटी। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज आप देखने वाले हैं कानून गो अपार्टमेंट। गेट देख के आपको पता ही चल गया होगा, सामने की तरफ बेसमेंट में। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो 3,000 रुपये पर मंथ। सामने की तरफ आप देख रहे हैं क्रिकेट के लिए जगह आरक्षित करी गई है। बालको मार्केट के बिल्कुल ठाम सामने की सोसाइटी है और सबसे प्राइम लोकेशन है आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज की। सामने की तरफ आपने देखा जिम, एयर कंडीशन जिम है। व्यू बहुत अच्छा है, बहुत प्राइम लोकेशन है। यह सोसाइटी का एक 3 बेडरूम का गेस्ट हाउस है जो कि फुल्ली फर्निश्ड है। अगर आपको कोई फंक्शन करना है, गेस्ट आए हुए हैं, तो आप कम से कम रेट में सोसाइटी जो है दे सकती है। यह सोसाइटी का बैंक्वेट हॉल है, इसमें आप किसी तरह का फंक्शन करना चाह रहे हैं, साथ में किचन है और ऐसे ही 2 पार्ट में है। इसे समय के हिसाब से अलग अलग वर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं। हर टावर में 2 लिफ्ट्स हैं। इसके जो जीने हैं वो भी काफ़ी चौड़े हैं। और इस तरीके से तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं फ्लैट के अंदर। एंट्री करते ही हर फ्लैट के अंदर मिलेगा ये स्टोर रूम है, जो कि थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा। ये सामने जो स्पेस देख रहे हैं, एक्चुअली ये पहला बेडरूम था और जो स्टोर रूम के साथ सामने की तरफ जगह जाती है वो जगह ड्राइंग एंड डाइनिंग की थी, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। उसमें से एक स्टडी रूम, बेडरूम और एक बाथरूम का प्रोविज़न बना दिया गया है। भी आप देखेंगे ऐसे ड्राइंग एंड डाइनिंग का सामने कर दिया गया है, क्योंकि ये वास्तु फ्रेंडली बाद में रीडिज़ाइन किया गया है। किचन बहुत ही सुंदर बनी हुई है, रेडी टू शिफ्ट है। किसी भी तरीके की कोई कार्य की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एज इट इज आप रह सकते हैं। इस सोसाइटी में अप्रॉक्स 200 फ्लैट हैं। सोसाइटी के बैक गेट पे मैक्स और आईपी एक्सटेंशन मेट्रो तथा फ्रंट गेट पे बालको मार्केट करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज की लोकेलिटीज नियर बाई भी, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी सेल आउट रेंट आउट करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने एंट्री करी, एंट्री करते ही स्टोर रूम के साथ एक स्टडी रूम के आगे थोड़ा सा स्पेस मिलने के बाद एक ये बेडरूम में ये बालकनी वाला जो स्पेस था उस वाले स्पेस में एक बाथरूम बना दिया गया है। इस फ्लैट की एक विशेषता है कि इसमें सुबह से पहली किरण से लेके और दोपहर के 3:30 बजे तक की पूरी धूप आएगी। वास्तु फ्रेंडली है, घर से निकलते ही आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर है, पार्क फेसिंग है, टोटल फ्लोर इसमें 7 हैं। ये बड़ी बालकनी हो गई, इसको थोड़ा सा रिडिजाइन करके जो है यूज कर लिया गया है कुछ अदर पर्पज के लिए भी। ये सामने की तरफ वही स्टोर जहाँ से अभी हमने एंट्री करी थी, सामने वाला वो बेडरूम और ये बाथरूम जो कि बाद में बना दिया गया है। प्लान अच्छी करी गई है,
साथ में बड़ी बालकनी, और बड़ी बालकनी के साथ जो है अपने को जो व्यू मिलता है सामने मूनलाइट अपार्टमेंट के पार्क का मिलता है। गेट की तरफ से सेकंड गेट सामने की तरफ दिख रहा है और ये सोसाइटी का बैक गेट, बैक की तरफ गेट तो लेफ्ट हैंड की तरफ है। फर्स्ट फ्लोर है टोटल, इस फ्लोर के सॉरी माफ करना, इसमें जो टोटल फ्लोर है वो 8 है क्योंकि पहले हमने 7 बोल दिया था। ये हम आप आगे हैं, आगे की तरफ लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ एक टॉयलेट है, एक टॉयलेट कम अटैच बाथरूम, लेफ्ट हैंड पे टॉयलेट कम अटैच बाथरूम, और सामने की तरफ दो कमरे। टॉयलेट आप देख के आपको आइडिया लग ही जाएगा, इसमें किसी तरह की किसी भी फिटिंग को हटाने या जोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल तैयार फ्लैट है, मन से बनाया हुआ फ्लैट है। आप कल से रहना चाहें तो आप आराम से कल से रह सकते हैं। जिस हिसाब से फ्लैट हमने देखा है उस फ्लैट के हिसाब से पहला स्टोर रूम, फिर एक स्टडी रूम, फिर बेडरूम, बेडरूम के बाद हम अब इस समय हैं सेकेंड बेडरूम में। इस फ्लैट की विशेषता है किसी भी खिड़की से आप देखेंगे तो दूर तक आपको कोई सामने बिल्डिंग नहीं आती है, आपको उस ओपन स्पेस पूरा मिलेगा, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। और ये एक बालकनी जो दो कमरों के साथ बनाई गई है, फर्स्ट फ्लोर है, बालकनी से अपनों को जो व्यू मिलता है बहुत ज़बरदस्त मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ पार्क फेसिंग। इस फ्लैट की जो कीमत है 2,80,00,000 रुपए रखी गई है। और ये पटपड़गंज में जो भी 116 सोसाइटी है उन सोसाइटीज में से ये टॉप नंबर की सोसाइटी है। और आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल करने की बात करता है तो एक बारी यहाँ से कंपेयर जरूर करता है, जो भी परचेज करने के लिए आता है वो एक बारी कानून को के बारे में डिस्कस करता ज़रूर है। ये बहुत ही डिमांडेड सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर मैनेजमेंट मेंटेनेंस शुरू से ही फर्स्ट जैसे ही बहुत ही स्ट्रांग रहा, उसका बेनिफिट आज भी सोसाइटी को मिल रहा है। सोसाइटी के अलॉटमेंट 1990 की लगभग है। ये तीसरा बेडरूम और सेकेंड टॉयलेट कम बाथरूम, पहला बाथरूम आपने पहले ही देख लिया था जो कि फर्स्ट बेडरूम के साथ था। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके से ये स्टोर रूम, स्टडी रूम, 3 बेडरूम, ड्राइंग एंड डाइनिंग, 2 बालकनियाँ, 2 टॉयलेट प्लस 1 बाथरूम, 1450 स्क्वायर फीट का फ्लैट, कानून गो अपार्टमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।